इस्रायलच्या वस्तू बायकाट आंदोलनामुळे माजी नगरसेवक पैलवान तौफिक शेख यांच्यावर गुन्हा दाखल. सध्या इस्रायल आणि पॅलेस्टीन युद्ध सुरू आहे. या युद्धात निष्पाप नागरिक, मुले व महिला बळी पडत आहे. जाणून बुजून इस्रायल सेना एका समाजाला टार्गेट करत हल्ले करीत आहे. त्याचा निषेध म्हणून आज नई जिंदगी येथे इस्रायली वस्तू बायकाट आंदोलन घेण्यात आला होता. विनाप्रवानगी आंदोलन केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक तौफिक शेख यांच्यासह 26 जणांविरोधात MIDC पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनाप्रवानगी आंदोलन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. माजी नगरसेवक तौफिक शेख यांनी सिद्धेश्वर नगर, नई जिंदगी सार्वजनिक रोड वर बेकायदेशीर जमाव जमवून कोणतीही पूर्वपरवानगी देता आंदोलन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माजी नगरसेवक तौफिक शेख, नुरुद्दीन मुल्ला, अबू बकर हारून सय्यद, रफिक इनामदार, अब्दुल करीम शेख, असिफ भाई राजे यांच्यासह अन्य 15 ते 20 जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलीस नाईक कृष्णात धोंडीबा कोळी यांनी फिर्याद दिली आहे. तौफिक शेख हे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सक्रिय आहेत. लोकांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी आजपर्यंत विविध आंदोलन केली आहे. या घटनेचा अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक साळुंखे हे करीत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया. आज नई जिंदगी भाग में तमाम मुस्लिम समाज की जानिब से फिलिस्तीन पर जुल्म ज्यादा करने वाले, मासूम बच्चों को कत्ल आम करने वाले इसराइल देश का, हम नई जिंदगी भाग की जानिब से जाहिर निषेध करते हैं. और इसराइल में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है, कोको कोला हो, थम्सअप हो, सेवनअप रहेंदे, हगीस रहेंदे, पाउडर रहेंदे, शैम्पू रहेंदे, जो भी रहेंदे, मैं तमाम हमारे शहर के जिम्मेदार लोगों से, मुस्लिम समाज से आह्वान करना चाहूँगा कि इस फिलिस्तीन जो है अपने मस्जिद अक्सा बचाने के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, और जो यहूदी कौम है, जो इस्राइल देश है, वो हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म ज़्यादती अन्याय कर रहे हैं, मासूम बच्चे हमारे माँ बहने औरतों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, ऐसे देश का हम हक का सच्चाई का साथ दे रहे हैं. मैं तमाम लोगों को ये बात कहना चाहूँगा, मुस्लिम समाज पर होने वाली जुल्म ज़्यादती के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए हम तमाम यहाँ के जिम्मेदार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और इसराइल के प्रोडक्ट्स का हम बायकॉट करते हैं आज से. मैं तमाम हमारे शहर के, जिले के, महाराष्ट्र राज्य के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप इसराइल का ताकत बढ़ाने का काम मत करो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स वो बेच कर इनकी ताकत बनती है, आमदनी जो उनके पास जो पैदा होती है, जो मिलिट्री पर वो खर्च करते हैं, मिलिट्री पर जो खर्च होता है वो मुस्लिम को बर्बाद करने के लिए, मुस्लिम समाज को ख़त्म करने के लिए. इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनका जो प्रोडक्ट है उस पर आप बंदी लाओ, बैकआउट करो, इतना कहता हूँ. और हमारे शहर के, हमारे निजी निभा के सभी जिम्मेदार है, अभी हमारे दोनों ऑफिस साहब मुस्लिम समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, फिलिस्तीन में जिनके जिनके मुस्लिम जाति हो रही है, जो मर रहे हैं, उनके हक में इंशाल्लाह दुआ करेंगे. दुआ में सभी लोग शामिल हो रहा है.